गुड मॉर्निंग एवरी वन रसिया और अब देखो जब हम मेज़र पावर पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल जाता है जब हम विकासशील देशों को पढ़ते हैं तो फिर अलग तरीके से पढ़ते हैं और मेज़र पावर पढ़ते समय हमेशा ये बात ध्यान में रखते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है पूरी विश्व व्यवस्था कैसी है और अगर हम मेज़र पावर में पहले हम रसिया को देखेंगे अगर हम किसी भी मेज़र पावर को देखें तो स्टार्ट हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर क्या है पहला और उस मेज़र पावर की अपनी जियो पॉलिटिक्स क्या है क्योंकि आज की डेट में जिसे हम रसिया देखें यूक्रेन संकट पूरा रसिया कारण है और किस तरीके से रसिया यूक्रेन संकट पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करते हैं रसिया यूक्रेन संघर्ष पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित कर रहे हैं और ये कैसे हो रहा है अगर हम देखें पहले से ही जैसे आज हम सोवियत संघ के रूप में जानते हैं जैसे आज हम रसिया के रूप में जानते हो पहले सोवियत संघ था और सोवियत संघ के विघटन के बाद भी आज भी अब देखेंगे अब ये रसिया की जियो है कि आज भी भौगोलिक रूप में दुनिया का सबसे बड़ा राज्य कौन है रूस दुनिया का भौगोलिक रूप में सबसे बड़ा राज्य रूस है लेकिन कई बार कहा जाता है भौगोलिक रूप में बड़े होने के बावजूद भी रशियन इकोनॉमी लगभग एक ट्रिलियन डॉलर के आसपास ही है इन्हें वास्तविकता यह है कि आज रसिया की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था के एक तिहाई से कम है तो इसका मतलब केवल भूभाग ही होना किसी देश की इकोनॉमी का बेस नहीं हो सकता और सोवियत संघ की इकोनॉमी से लेकर आज तक उसके साथ जो प्रॉब्लम रही हुई है देखिए सोवियत यूनियन की इकोनॉमी की बहुत बड़ी समस्या थी और वो कहीं ना कहीं समाजवाद की समस्या से जुड़ी सोवियत संघ की इकोनॉमी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में कभी भी उद्योगों का डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया तो कहा भी जाता है कि रशियन इकोनॉमी का जो बेस रहा है वो पहले से आर्म्स और एनर्जी हथियार बेचना तेल बेचना गैस बेचना यही रशियन इकोनॉमी का बेस रहा क्योंकि समाजवादीकरण वहाँ पे कभी भी लघु उद्योग पनप नहीं पाए इस बात को चाइना ने कभी नहीं आने दिया तो माओ यही बात उसने सीखा रसिया से रसिया में इतना हैवी इंडस्ट्री थी तभी आप देखेंगे इंडिया का पूरा इन्फ्लुएंस इंडिया में जब हैवी इंडस्ट्राइजेशन किया गया भारी उद्योग बड़े बड़े उद्योग तो बाद में ऐसा माना गया कि बड़े बड़े उद्योग रोज़गार के लिए भी अच्छे होंगे इसमें भी डाउटफुल मामला है बड़ा बड़ा कोई उद्योग होगा देश के विकास के लिए अच्छा होगा इसमें भी डाउटफुल मामला है तो केवल बड़े हो जाने से बात नहीं बनती रूस के पास जनसंख्या कम है और जनसंख्या का वहाँ पर ऐसा इम्बैलेंस है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस के इतने आदमी मारे गए थे मेल इतने ज़्यादा मारे गए थे वहाँ पर अभी भी सेक्स रेस बड़ा इम्बैलेंस है तो वहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों की तुलना में हमारे हरियाणा में जस्ट अपोजिट है तो हरियाणा के लोगों को रसिया के एड्रेस देने की आवश्यकता है ये वार के दुष्परिणाम होते हैं रसिया है अभी आप देखें रवांडा और रवांडा महिलाओं की संख्या पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा है दुनिया में सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं के रवांडा में है कारण वहां पुरुष ही नहीं है पुरुष सब वॉर फ्रंट पे मारे गए तो अब एक खास बात है और ये रूस नहीं है रूस के पास दो लेगेसी है एक है जार साम्राज्य और एक खास बात है लेगेसी का ही बात बहुत, -बहुत इन्फ्लुएंस करती है और मानवता का स्वभाव है कि हमेशा अतीत पर हम बार बार जाते हैं यानी हमारे दादाजी एक समय बहुत महान आदमी थे मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे ऐसी बातें तो बनती है अपने व्यक्ति भी कई बार अपने अतीत को घूमता है देख के और राष्ट्र भी अपने अतीत पे कई बार गौरव करता है ये तो अतीत का गौरव कई बार बड़ा विनाशक हो जाता है यही इसी अतीत के गौरव ने इटली को नाबूद कर दिया मुसोलनी को अतीत का गौरव ही था अतीत का गौरव लाभदायक होता है हानिकारक होता है ये अपने आप में बड़ा ही विवादास्पद विषय है लेकिन कई बार कहा जाता है अतीत का गौरव भी अपने आप में तार्किक है तार्किक नहीं है ये बात अलग है लेकिन भावनात्मक होता है उस आधार पर कई राष्ट्र अपने आप को बताने का प्रयास करते हैं कि वो महाशक्ति बनेंगे तो रसिया के पास दो अतीत का गौरव है कहा जाता है कि अमेरिका के पास देखिए अमेरिका एक मॉडर्न स्टेट है अमेरिका के पास कुछ अतीत गौरव जैसे कोई बात अमेरिका के पास नहीं है उसका पूरा इतिहास ही तीन साल पुराना है तो उसके लिए वही लोकतंत्र है वही मॉडर्न सिस्टम है तो वो उसी लोकतंत्र मॉडर्न सिस्टम को आगे बढ़ा के आगे बढ़ता है कई लोगों के पास सभ्यता के इतिहास है भाई भारत के पास भारत जब भी बात शुरू होती है पाँच हज़ार साल पहले हम इसी बात को करते हैं पाँच हज़ार साल पहले इसका मतलब है अब पाँच हज़ार साल ही कोई गिने उसके बाद तो फिर उसके बाद अतीत गिनेगा हमारा यही बहुत बड़ी बात हो जाती है रसिया दो अपने आप में लेगेसी को कैरी करता है कि जार साम्राज्य तो झार साम्राज्य साम ब्रिटिश साम्राज्य का एक जमाने में प्रभाव था और जब यार साम्राज्य ख़त्म हुआ तो उसके बाद मास्को मास्को ऐसी जगह है जहाँ से पूरी दुनिया का क्रांति का झंडा जाता था ये मास्को जहाँ पे लेनिन मास्को जहाँ पे स्टालिन वो मास्को जिसने फांसीवाद को हराया वो मास्को जो दुनिया में समाजवाद की पूरी धारा बहाता था कहा भी जाता है कि मास्को जो कहता था पूरी दुनिया वैसी करती थी मास्को जहाँ लाल झंडा भेजता था वहां पूरी दुनिया लाल झंडा लेके जाती थी तो जरा सोच के देखिए वो मास्को का गौरव कोई भूल कैसे जाएगा तो सवाल ये तो नहीं है कि पुतिन अब सब अब इतना मास्को एक जमाने में सुपर पावर रिचर्ड फॉक्स ने कहा कि 1945 के पहले जब सुपर पावर का विचार दिया तो उस समय अमेरिका और सोवियत संघ सुपर पावर इसका मतलब उनके सैनिक जहाज पूरी दुनिया में तैनात थे वो कहीं भी किसी को सैनिक रूप में मारने की क्षमता रखते थे रशियन मिलिट्री फोर्सेस को दुनिया के तमाम भागों में तैनात किया गया था यह सुपर पावर की विशेषता थी अब जरा उस सुपर पावर का 1991 के बाद जिस तरीके से विघटन हुआ वो अपने आप में बड़ा ही हृदय विदारक था हार्ट ब्रेकिंग था कई बार आपका भी दिल टूटता है दिल टूटता है कि नहीं दिल टूटता है वैसे ही राष्ट्र का भी दिल टूटता है और ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया सोवियत संघ का विघटन हुआ कुछ लोगों ने कहा सोवियत संघ का विघटन नहीं समाजवाद का विघटन हुआ कुछ लोगों ने कहा अब स्वाभाविक तौर पर रूस में वो महाशक्ति की क्षमता नहीं रही यानी दो साम्राज्य को धारण करने वाला मॉस्को एक छोटी शक्ति बन जाएगा अमेरिका के पीछे पीछे चलने लगेगा ऐसा हकीकत में हुआ नाइनटीन के बाद और हमारे मॉस्को से हमारी क्या रिश्ते थे वो तो अभी बताना बाकी है लेकिन ये तो बता दो मॉस्को क्या है हम तो अपने देश को बार बार पढ़ते हैं तो अब सवाल ये है कि जब नाइनटीन के बाद ये महान शासक अब सवाल है कि छोटे से राज्य के रूप में बन गया भौगोलिक का मतलब नहीं है आर्थिक व्यवस्था में अब अमेरिका ने कहा भाई हमारे पीछे पीछे चलो 91 के बाद बोरिस सिंह वहाँ के राष्ट्रपति बने अतीत ये बताता है कि मॉस्को को सुरक्षा की समस्या हमेशा ईस्ट से रही है जो ये जो ईस्ट का प्रॉब्लम है यही जियोपॉलिटिक्स है अब आप, आप मॉस्को की जियो देखेंगे एक समय था कि मॉस्को का चीन के साथ झगड़ा चलता था चीन के साथ जब यहाँ पे चीन में माओ आया तो आप जानते हैं माओ की आकांक्षा थे कि समाजवाद का नेतृत्व तो चाइना करेगा तो जिस समय सोवियत संघ था जिस समय मॉस्को कहता था पूरी दुनिया में समाजवाद का नेतृत्व तो मॉस्को करेगा उस बात को पहली बार कॉन्टेस्ट किया था चीन ने चाइना ने कहा था कि नहीं समाजवाद का नेतृत्व तो हम आगे बढ़ाएंगे इसका मतलब है के सामने एक महाशक्ति है चाइना दूसरे अगर आप ईस्ट में चले जाएंगे तो जापान, जापान भी तो पावरफुल देश है, जापान पावरफुल देश है और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय रूस के विरुद्ध में जापान था तो अतीत को हम नहीं बोल सकते उसके अलावा अगर देखेंगे कि ये मंगोलिया वगैरह जो चाइना के पास है और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो पांच मध्य एशियाई राज्य कजाकिस्तान किर्गिस्तान उजुबेकिस्तान से विघटित हो गए ये सोवियत संघ के पास छोटे राज्य है लेकिन वो तो पैदा करने में समर्थ है अभी अब सोवियत संघ जब विघटन हुआ रसिया रसिया के साथ समस्या क्या आई अब एक, एक होता नहीं गौरव छीन गया पहला और वास्तविक मामला है कि हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य में सफल ना हो पाए तो ऐसा नहीं खत्म हो गया लेकिन दुनिया ने तो यही मान लिया मास्क हो गया मास्क को खत्म हो गया और ऐसे भी अर्थव्यवस्था में अगर आप देखेंगे कि रूस की समस्या तो अगर आप आज के दौर आज के दौर में इंडियन मार्केट में अगर कोई सामान अगर आप ये यूज करते हैं कोरिया का सामान आपने देखा होगा अमेरिकन सामान देखा होगा जैपनीज तो दिखते ही हैं कोई आपको मास्को का भी सामान दिखा इंडियन मार्केट में ये दिखता है कि मॉस्को कैसे इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ ये पर रखने का बड़ा सामान्य सा तरीका है तो सोवियत संघ का एक जमाना था जब चीन से समस्या थी लेकिन चीन के साथ समस्या हल हो गई 1991 में जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ अब रूस ने कहा कि चीन हमारा दोस्त होगा चीन के साथ समय बनाने शुरू कर दिए आज की डेट में उसका चीन के साथ ही सबसे अच्छा संबंध है और फिर बोरिस सेल्सिन वहाँ के राष्ट्रपति हुए और बोरिस सेल्सिन ने कहा कि भाई देखो मॉस्को यूरोप के ज्यादा नजदीक है बोरिस यसन ने पूरे पॉलिसी को यू टर्न मार दिया और इसका मतलब है कि जो रसिया और यूरोप के बीच का यूक्रेन बेलारूस ये इस्टोनिया लातविया लिथवानिया ये सब तो सोवियत संघ के भाग थे ये सब सोवियत संघ के भाग थे उसके बाद पोलैंड हंगरी रोमानिया बलगरिया चिकोस्लवाकिया ईस्ट यूरोप में थे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो हमला हुआ था रसिया पर इधर से ही हुआ था क्योंकि साइबेरिया के मैदान से आप रसिया में आ नहीं सकते साइबेरिया के मैदान जो सेना घुसेगी अपनी कब्र खुद ही खोद लेगी यहां से रूस पे हमला होना बड़ा मुश्किल है ये पूरा दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र है से आप आ नहीं सकते इधर आर्कटिक का क्षेत्र है इधर से आप घुस नहीं सकते रसिया के जियो में दिखता है या तो नीचे से कोई प्रॉब्लम की जाए और नीचे से प्रॉब्लम इस समय चीन के साथ अच्छे संबंध है लेकिन मध्य एशिया की निर्जातीय समस्या अभी भी रसिया के लिए दुखती तीरग है और सोवियत संघ का विघटन हुआ तो समस्या बाहर से कम आई अंदर से ज़्यादा अंदर ज़्यादा का मतलब है कि चेचनिया ने अलगाववाद की मांग कर दी बोझ में अलगाववाद की मांग आने लगी तो चेचन लोगों ने कहा कि भाई अब हम अलग होंगे क्योंकि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो रसिया में पहली आंतरिक समस्या कई निर्जाती और कहा भी जाता है कि दुनिया में सोवियत संघ के विघटन के बाद राज्य को दो तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा एक अंदर से दूसरा बाहर से अंदर से निर्जाति संघर्ष तो अब रसिया के सामने निर्जाती संघर्ष था और वहाँ पे राष्ट्रपति बने बोरिस सेल्सिन और बोरिस बोरीसेल्सिन ने कहा भाई अब हमारा ईस्टर्न देशों के साथ संबंध अच्छा होगा बोरिस ने बल्कि कहा बोरिस बोरीसेलसिन ने कहा कि वजह हम एशिया के चक्कर में थे बिला वजह हम इंडिया के चक्कर में चाइना के चक्कर में इंडिया चाइना में लेकर क्या करेंगे अरे मॉस्को सीधा किसके निकट है यूरोप के मॉस्को तो यूरोप के निकट है इससे हमारा मूल सरोकार यूरोप के साथ है और यूरोपीय देशों को उनको सहायता देनी शुरू कर दी यहाँ तक कि रसिया नेटो की पार्टनरशिप फॉर पीस का मेंबर बन गया सोवियत संघ का विघटन हुआ वारसा का विघटन हुआ वारसा सोवियत संघ का सैन्य संगठन था वारसा का विघटन हुआ लेकिन नैटो का विघटन नहीं हुआ नैटो का विस्तार होता चला गया उस नैटो के विस्तार से सोवियत संघ को या रसिया को खतरा होने के बजाय उसकी पार्टनरशिप फॉर पीस का मेंबर बन गया इसका सीधा सा मतलब है बोरिस चिल्सन ने मान लिया कि निश्चित तौर पर पश्चिम के साथ हमारा भविष्य है अमेरिका ने उसको बड़ी आर्थिक सहायता दी रूस की इकॉनॉमी बिल्कुल गर्त में थी और कहा भी जाता है सोवियत संघ के विघटन के बाद अगर भारत तो और चाइना रसिया से हथियार न खरीदते ये इकॉनॉमी और कोलेप्स हो जाती और अमेरिका आई ने रूस को सहायता दी किसी तरीके से रूस पटरी पर आया लेकिन अब ऐसा लगने लगा जैसे जैसे रूस की इकॉनॉमी ठीक हो रही थी अब रूस को फिर याद आने लगे कि भाई ये तो हम दूसरे दर्जे की महाशक्ति बन गए महाशक्ति क्या दूसरे दर्जे की शक्ति बन गया महा तो हटाई दीजिए शक्ति भी था ये भी डाउटफुल था महा तो महा मतलब शब्द मेजर हटा दीजिए अब रसिया को यह बात खलने लगी कई बार अमेरिका कर्नाटो का, का हस्तक्षेप हुआ सर्बिया में और आपको याद दिला दें अगर अमेरिका का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में हथियार फिर अमेरिका ही बेचेगा रसिया की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या वेपन्स तो जब पूरी दुनिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ता जाएगा तो रूस के पास क्या बचेगा बेचने के लिए पहली समस्या और अतीत का गौरव दूसरी समस्या अंदर की समस्या तीसरी कई मुहाने पर प्रॉब्लम आ गया अंदर में चेचनिया ऐसा लगा कि अब रसिया और टूटेगा और चेचनिया चेचनिया प्रांत जो रसिया के चेचन है उन्होंने कहा भाई हमें भी एक अलग प्रांत चाहिए क्योंकि अगर रसिया का पंद्रह टुकड़ा हो गया तो हमें भी एक अलग प्रांत की आवश्यकता है क्योंकि चेचनिया प्रांत में मुस्लिम बहुल के लोग बहुमत में हैं और उन्होंने कहा कि हमें भी सूब संघ से अलग होना है रसिया से अलग होना है अब ऐसा लगा कि रूस के तो बिल्कुल अंतिम दिन आ गए या और विघटित होगा पीछे जाएगा तब तक वर्ष दो में स्थितियाँ चेंज हुई वर्ष दो में व्लादिमिर पुतिन आ गए वर्ष 2000 में इधर परिस्थितियां चेंज हो रही थी रूस अपनी थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बना रहा था रूस गर्त से धीरे धीरे निकल रहा था गुदड़ी का लाल हो गया था अब रूस ने धीरे धीरे अपना सब जमी हुई बर्फ साफ करना शुरू किया रूस ने कहा हमारा ये दिन आ जाएगा और व्लादिमिर पुतिन KGB के जी बी के एजेंट और व्लादिमिर पुतिन जैसे आए और उन्होंने कहा यह अब रूस में देखो ये सब लोकतंत्र विपक्ष के नेता ये सबको पीछे करो और व्लादिमिर पुतिन बल्कि फौलादी व्यक्ति थे पहले उन्होंने चेचनिया की समस्या को दबाया व्लादिमिर पुतिन ने कहा अंदर से कोई आवाज़ नहीं उठेगी चेचिनिया को बिल्कुल रौंद के रख दिया उन्होंने और जब चेचिनिया को रौंदना शुरू किया तो अमेरिका ने कहा व्लादिमिर पुतिन तुम तो मानवाधिकार का उल्लंघन करते हो और पुतिन ने ऐसा तरीका अपना लिया मेरे देव को एक बार प्रधानमंत्री बनाए फिर राष्ट्रपति बने फिर राष्ट्रपति बने फिर प्रधानमंत्री बनाया अब पश्चिम के देशों ने कहा रूस ये बताओ तुम्हारे पास लोकतंत्र है क्या पुतिन ने कहा अंदर झांकना मत लोकतंत्र है कि नहीं है ये उपदेश हमें नहीं चाहिए मानवाधिकार है कि नहीं उपदेश हमें नहीं चाहिए रूस ने कहा सीधा आतंकवाद की समस्या है आतंकवाद की समस्या हम देख रहे हैं यहां अंदर मत आना फिर अमेरिका ने कहा देखा अमेरिका की पॉलिसी तो ऐसी चलती है वर्ल्ड ऑर्डर में जब अमेरिका अपनी पॉलिसी बनाता है इसी तरीके से पॉलिसी बनाता है अमेरिका ने कहा सुनो मानवाधिकार की रक्षा अच्छा तुम तो नहीं कर रहे हो तुम तुम इस तरीके से चेचन के लोगों के अधिकारों का दमन कर रहे हो रूस ने कहा ज्यादा उपदेश मत देना सर्बिया में तुमने क्या किया है हमें पता है अमेरिका ने कहा हम कुछ भी कर सकते हैं तुम नहीं कर सकते कहा अच्छा क्यों नहीं कर सकते और तुम दूसरे दर्जे की शक्ति हो और उसके बाद रूस ने कहा ये भाई बताना मत हमें बार बार हम दूसरे जगह हैं सकती है। का क्या कर लोगे उसके बाद रूस ने कैस्पियन से मिसाइल जाकर गिरी सीरिया में और आईएसआईएस के खिलाफ पूरी दुनिया ने देखा हो दया और दया देए। इतनी बड़ी मिसाइल रखा था रसिया ने रसिया ने कहा तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो हमारे पास बीस बीस हजार किलोमीटर की मिसाइल है पुतिन ने कहा ये कभी कोई समझने गलती ना करे ये मिसाइल सीरिया में मारी गई थी पूरी दुनिया को सोपिस था और यह सोपिस था कोई चाहे तो खरीद भी सकता है ये तो मिसाइल उसे बैन किया गया है इस तरीके से टेक्नोलॉजी बेची नहीं जा सकती लेकिन चोरी चोरी और दोस्तों को -दे कौन रोकेगा अब पुतिन ने कहा ना पुतिन ने कहा ना भाई अब हम अपने अधिकार को फिर से आगे बढ़ाएंगे पुतिन से पूछा कि पुतिन साहब इरादा क्या है जार साम्राज्य बनाने का या मास्को का गौरव वापस देने का अब पुतिन के मन में जहन पुतिन के मन में सपना आने लगा वैसे भी ब्लैक बेल्ट के जी बी के एजेंट और अब देखेंगे पुतिन अपने तस्वीर को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं बिल्कुल ही मैन जैसा माचो मैन जैसा मतलब कपड़े उपड़े खोल के मछली मारते हुए घोड़े पर सवार होते हुए जिम जाते हुए ऐसी फोटो अपलोड करते हैं प्यार मोहब्बत की फोटो कभी नहीं डालते ये युवाओं को सीखने की बात है अगर दुनिया में पावरफुल बनना चाहते हो तो प्यार मोहब्बत की बातें भी पर्दे के पीछे रखो फ्रंट में मत आने दो नहीं पता नहीं कैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं मुंह बना के पाउप ले रहे हैं मुंह बना के पाउप ले जाता है ऐसे जाके जिम में जाके फोटो ये, अरे कोई देखते डर जाए तुम्हारा व्हाट्सएप देख दे जाए ऐसे फोटो डाल रहे हो जैसे लग रहा है कि अरे पावरफुल आदमी से कुछ तो सीखो बच्चों IAR में सीखने को बड़ी चीजें हैं अभी आपका ही तरीका है क्या सीखते हो क्या नहीं सीखते हो लेकिन अब रसिया आगे बढ़ने लगा तब तक रसिया उधर से आए चीन उधर आया चीन ने कहा सुनो तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं है अब मैं समझ गया हूं तुम्हारा इरादा क्या है पुत्र ने कहा समझ गए गुरु मेरा इरादा क्या है रसिया ने कहा बिल्कुल चीन ने कहा देखो अमेरिका का प्रभावी होना ये जब तक प्रभावी रहेगा तब तक प्रॉब्लम करे रहेगा इस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना है और उसने कहा ये बहुत सही बात है ये बात तुमने तो बहुत सही कही होगा कैसे अब इसीलिए आप देखेंगे एस सीओ बनना शुरू हुआ का नहीं है ये मामला वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने का है अगर आप चीजों को जूम करके आप देखेंगे तो रसिया और चाइना इकट्ठे होने लगे दो हजार के बाद और उसके बाद चाइना ने कहा तो एक तुम एक तो पीस फॉर पार्टनरशिप तुम नैटो का मेंबर हो रहे हो कमल की बात है अरे अपनी शक्ति को बढ़ाओ उसके बाद तो पुतिन ने 2000 के बाद भारत के साथ संबंध स्थापित करना शुरू किया इधर चीन के साथ संबंध स्थापित करना शुरू किया दुनिया में हस्तक्षेप करने शुरू किए और अब पुतिन आगे बढ़ने लगे धीरे धीरे रसिया की इकॉनमी भी ठीक हो रही थी हथियार बेचे जा रहे थे और चीन ने कहा चिंता मत करो तुम्हारे सारे हथियार हम लोंगे भारत ने कहा भाई हम तो हथियार तुम्हारे लेते ही हैं पुतिन ने कहा हमें पता है दोस्त तुम हमेशा हमारे साथ रहे हो हमें भी लगा कि भाई पुतिन हमारे साथ है कि पुतिन के साथ कोई लफड़ा नहीं है जो भी देता है पैसे ले, भाई पैसे लेगा दुनिया में कई जगह पैसे देने पर हथियार नहीं मिलता याद रखिएगा और पुतिन ने तो हमें रसिया ने हमें वो वो दिया जो कोई झांकने तक नहीं देता आगे एग्जाम्पल बता देंगे हमारी यारी तो बड़ी पुरा, बड़ी पुरानी है चाइना से भी हमारा सोवियत संघ के साथ वो जमाना था राज कपूर की फिल्मों शुरू होता है और रणबीर कपूर तक बना हुआ है वो बहुत लंबा रिश्ता है ना एवरग्रीन रिश्ता है तो ये बड़े संबंध है हमारे रसिया के साथ रसिया के साथ तो वो पार्टनरशिप है जो कम लोगों के साथ होती है अब उसके बाद पुतिन ने कहा कि भाई मामला ऐसे बनेगा नहीं चीन ने भी समझाया कि सुनो ऐसे बात नहीं बनेगी कि तुम सॉफ्ट पॉलिसी अपनाओगे और सोचोगे इधर भी अमेरिका के साथ भी हो लें चीन के साथ हो लें एक मामला डिसाइड करो तो पुतिन ने कहा डिसाइड क्या करना है का सीधा ये तुम कह दो कि नाटो का विस्तार अब क्यों हो रहा है अरे सोवियत संघ के विघटन के बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो अमेरिका नाटो का विस्तार कर क्यों रहा है और आप याद रखिये अमेरिका के निशाने पर चाइना था रसिया नहीं था सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के लिए रसिया खतरा ही नहीं है अब जैसे से नाटो का विस्तार होने लगा और अब देखिए नाटो का विस्तार कैसे हुआ अब नाटो का विस्तार कैसे हुआ ये और सवाल ये है कि नाटो के विस्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि एक तरफ तो अगर हम इस बात को फिर एक मैप देख लें कि किस तरीके से नाइन्टीज के बाद नाटो का विस्तार हुआ अब देखेंगे नाटो का विस्तार किस तरफ से पूरे पूरे भी यूरोप में होने लगा और आज की डेट में आज की डेट में पोलैंड नाटो का मेंबर है या नहीं है पोलैंड नाटो मेंबर है कि नहीं है पहले पहले पूरा ईस्ट सोवियत संघ के बहुत यानी नाटो का मेंबर पोलैंड तो छोड़िए लाटविया एस्टोनिया ये नाटो का है या नहीं है ये मेंबर हो गए अब जरा सोच के देखिए नाटो का मेंबर बिल्कुल और अभी फिनलैंड पे आ रहा है फिनलैंड किधर है स्वीडन किधर है इधर अब जरा सोच के देखिए नाटो का इतना विस्तार करने की क्या जरूरत है और बात सीधी सी है नाटो कोई आर्थिक संगठन नहीं है देखिए यूरोपियन यूनियन का विस्तार हुई बात तो समझ में आती है कि यूरोपियन क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है सब साथ मिलकर काम करेंगे नाटो का विस्तार और इसका सीधा मतलब है आकांक्षा क्या है कि कोई सामरिक खतरा है नाटो अगर सैन्य संगठन है किसी सैन्य संगठन में का पर्पज एक ही है कि सबके सब लिए कोई साझे खतरे हैं तो इन सबके लिए साझे खतरे कहाँ से आ रहे हैं भाई सीधी सी बात है निकट में रसिया है उधर अमेरिका है तो साझे खतरे स्वाभाविक तौर तो पर कहां से आ रहे हैं रसिया से अब अमेरिका नाटो का विस्तार कर रहा था और अमेरिका की पॉलिसी इसलिए कही जाती है बड़ी लॉन्ग टर्म की होती है और कहा जाता है अमेरिका का प्लान तो यह था कि चीन के खिलाफ लेकिन चीन ने रास्ते बदल दिए क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप थे अगर अब देखा जाए तो अमेरिका ट्रुम ट्रुम के राष्ट्रपति ट्रंप थे ट्रंप ने लगातार प्रयास किया कि रसिया को मिला लिया जाए अगर रूस को मिला लिया जाता है तो चाइना को आइसोलेट किया जा सकता है क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज चाइना चारें से आ रहा है लेकिन चीन ने रास्ते बदल दिए चीन ने रसिया के साथ मिलकर क्योंकि रसिया और चाइना की इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी अपने आप बढ़ती चली गई रूस और चीन के बीच हितों का इतना जबरदस्त मेल मिलाप आ गया एक तो दोनों में राष्ट्रपति आजीवन शासन की बढ़ एक जैसी दोनों एक दल को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों एक व्यक्ति के शासन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं इससे भाई स्थायित्व रहेगा शासन को हम बदल के रखेंगे इससे भी बड़ा आप देखेंगे कि दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट मिलते कैसे हैं भाई रसिया इनर्जी का सुपर पावर चाइना इनर्जी लेने वाला सबसे बड़ा देश दोनों के अपने आप में इंटरेस्ट जबरदस्त तरीके से एक तरीके से आगे और चाइना को कोई ना कोई दोस्त की तलाश थी और चाइना के प्रॉब्लम किसके हैं इंडिया के साथ है तो इंडिया चाइना का दोस्त हो नहीं सकता इसीलिए रसिया ने कहीं ना कहीं यूक्रेन के संकट को आगे बढ़ाया या यूक्रेन से ये उम्मीद की कि वो नाटो में नहीं जाएगा क्योंकि यूक्रेन तो पहले सोवियत संघ का भाग था एक जमाना था पूरा ईस्टर्न यूरोप पोलैंड युगोस्लाविया अब तो सभी सब चेक गणतंत्र में टूट गए ये सब सोवियत संघ के प्रभाव के क्षेत्र थे इन सब पे सोवियत संघ का प्रभाव था अब ये तो अलग हो ही गए ये तो सोवियत संघ के प्रभाव में रहे नहीं ये यूरोपियन यूनियन में चले गए नाटो में चले गए अब बारी किसकी आ रही है बेलारूस की यूक्रेन की जॉर्जिया की बेलारूस तो इतना अच्छा राज्य है यानी बेलारूस तो ऐसे कहता है भाई पुतिन जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा रूस कहता है देखो ये बहुत अच्छा राज्य है जो हम कहते हैं वही करता है ऐसी ही उम्मीद किससे पाल रखा है रसिया ऐसे ही उम्मीद करता है कि सारे ईस्टर्न यूरोपीय देश और खास तौर पे हमारे जो पहले सोवियत संघ के भाग रहे यूक्रेन और जॉर्जिया वो नाटो में जाने का प्रयास बिल्कुल ना करें अब सवाल यह है कि मान लो अगर नाटो में जाने का प्रयास हो होती है जियो पोलिटिकली रसिया के लिए चैलेंज क्यों है अगर आपके ही बगल में कोई नाटो का मेंबर हो गया इसका मतलब रूस महाशक्ति रहा नहीं सुरक्षा खतरा रूस से है और ये राज्य रूस पर विश्वास नहीं करते और वास्तविकता यह है कि आर्थिक रूप में रूस की हालत खराब है इससे कोई ईस्ट यूरोप का कोई भी देश रूस के साथ बहुत जुड़ना नहीं चाहता आर्थिक रूप में क्योंकि आर्थिक रूप में उसके पास फायदे नहीं है लेकिन एक मामले में पूरी एनर्जी सप्लाई तो रसिया ही देता है यूरोप के लिए तो यूरोप के लिए पूरी एनर्जी सप्लाई अगर रसिया से आती है तो आप देखेंगे इस मामले में रूस को इकोनॉमी का बड़ा फायदा है क्योंकि वो तेल गैस बेचने वाला देश है वार के समय भी तेल गैस की सप्लाई बंद नहीं हो सकती इसलिए यूक्रेन का संकट कुल मिलाकर क्या दिखाता है शक्ति संघर्ष यूक्रेन संकट किस बात का इशारा है शक्ति संघर्ष का नए वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने का जियो पॉलिटिक्स का तो आप कहेंगे सर यूक्रेन संकट से हमारा क्या मतलब है मतलब है तभी तो यूक्रेन संकट अगर होगा तो स्वाभाविक तौर पर हमारा उसके साथ संबंध होगा और है क्योंकि हमारा संबंध रूस के साथ है तो रशिया जब भी इधर फंसेगा तो हमारे मामले तो आएंगे इसलिए अब हम थोड़ा सा यूक्रेन संकट आपको बता दें या फर्स्ट पार्ट में शायद हमने को बताया भी अगर आई के फर्स्ट पार्ट में भी बढ़ते हैं संक्षेप में यहाँ भी आपको बता दें तो ये जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड ऑर्डर में या आई आर या के फर्स्ट पार्ट में पढ़ना पड़ता है तो मूल मामला क्या है भारत रूस संबंधों में क्या जाएगा नई विश्व व्यवस्था इसलिए आपके सिलेबस में सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो जहां मेजर पावर देखेंगे जापान देखेंगे अमेरिका देखेंगे एक ही बात बार बार आएगी तो फिर यूक्रेन का पूरा संकट आया कैसे तो पहले हम रूस भारत रूस संबंधों में पहला क्या देखेंगे यूक्रेन क्राइसिस आज के दौर में यही करंट अफेयर है क्योंकि यूक्रेन संकट हमारे रूस के संबंधों को प्रभावित कर रहा है जिस तरीके से फिलिस्तीन संकट प्रभावित करता है भारत और पश्चिम को तो अलग दुनिया में हो नहीं सकते तो यूक्रेन संकट का अभिप्राय क्या है नहीं, ये सीधा मामला क्या है नवीन विश्व व्यवस्था का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यूक्रेन संकट पैदा क्यों हुआ क्योंकि यह मामला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अभी तक किसके हाथ में है अमेरिका के हाथ में है इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विकल्प कौन रखना चाहता है चाइना और रसिया इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं चीन प्लस रूस अगर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आगे बढ़ना है तो अब ये याद रखिए चीन रूस किसका विकल्प देना चाहते हैं क्योंकि नवीन विश्व व्यवस्था क्या है उदारवादी लोकतांत्रिक तो चाइना और रसिया इस लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर और का विकल्प रखना चाहती है इस लिबरल लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर का ऑप्शन रखना चाहती है विकल्प रखना चाहती है इसलिए आप देखेंगे जब पूरा यूक्रेन संकट उत्पन्न हुआ अमेरिका ने यूक्रेन संकट को क्या क्या रखा है क्योंकि 2014 से उत्पन्न होता है यूक्रेन संकट यूक्रेन संकट अगर हम देखें तो किस तरीके से 2014 से उत्पन्न हुआ और 2014 से मामला शुरू कैसे हुआ क्योंकि पहले पहले रूस ने यूक्रेन की क्रीमिया पर हमला किया क्रीमिया को छीना क्रीमिया के छीनने के बाद क्या हुआ उसके पहले आपको ये भी आदि ला दें अमेरिका आज भी कहता है कि ये मामला यूक्रेन का नहीं है लोकतांत्रिक उदारवादी व्यवस्था का है अमेरिका बार बार कह रहा है कि मामला उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का है इसे यूक्रेन के मुद्दे पर हम तनिक भी समझौता नहीं करेंगे जी ट्वेंटी की मीटिंग में अमेरिका के विदेश मंत्री से बात पूछी गई कि यूक्रेन के मुद्दे पर आपकी राय क्या है तो अमेरिका ने इट इज़ नॉन निगोशिएबल इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते और ये फॉरेन पॉलिसी में इसके मामले बहुत बड़े होते हैं अगर कोई कहते है नॉन है इसका मतलब हम बातचीत नहीं कर सकते बातचीत नहीं कर सकते डिप्लोमेसी में बातचीत नहीं करने का सीधा मतलब क्या है वार करना अगर डिप्लोमेसी में बातचीत नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है वॉर ही तो ऑप्शन है और इसीलिए पूरा यूरोप आप देखेंगे अमेरिका यूरोप ये क्या कह रहे हैं ये संघर्ष किसके बीच में है लोकतंत्र और तानाशाही के बीच का संघर्ष है इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मामला कहां पर आ रहा है अमेरिका चाहता है कि यह उदारवादी लोकतंत्र बना तानाशाही के बीच संघर्ष बनाए जाए लेकिन इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक तरफ अमेरिका का प्रभुत्व है और दूसरी तरफ चीन और रूस का गठजोड़ है इस वर्ल्ड ऑर्डर में एक तरफ अमेरिका का प्रभुत्व है और चीन और रूस का गठजोड़ है अब सवाल यह हमारे लिए चैलेंज कि नहीं आ गया हम किस तरफ जाएं इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जाए चैलेंज आया कि नहीं आया इस अगर हमें लगता है कि रूस का संकट यूक्रेन का संकट कोई भूभाग का संकट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में समस्या ज्योग्राफी को लेकर नहीं होती पानी का विवाद नहीं है जमीन का विवाद नहीं है बल्कि एक विचारधारा का विवाद है एक पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का विवाद है अब अगर ये वर्ल्ड ऑर्डर समस्या में आएगी इसका मतलब है कुछ ऐसी परिस्थितियां जैसे कोल्ड वार की है कोल्ड वार की अगर परिस्थितियां हैं तो सवाल है कि भारत किधर जाए भारत के लिए सीधा संकट आ गया भारत के लिए चैलेंज आ गया कि हम किस रास्ते पे जाएं? ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया भारत के लिए यही डेली आज तक है कि और हम क्या सोच रहे हैं कि हम भाई इस झगड़े में हम क्यों साथ पड़े खास तौर पर ना तो हमारी रशिया से प्रॉब्लम है ना अमेरिका से प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है चीन के साथ तो चीन और रूस गठजोड़ होगा तो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर फर्क नहीं आएगा क्या तो इस संघर्ष में अमेरिका बार बार कह रहा है कि भारत हमारे साइड में हो जाए यानी संघर्ष का जो मूल कारण क्या है वर्ल्ड ऑर्डर की बात और संघर्ष का मूल कारण क्या है प्रभुत्व और शक्ति का संघर्ष यह शक्ति का संघर्ष है प्रभुत्व का संघर्ष है ये यूक्रेन संकट नहीं है यह शक्ति और प्रभुत्व का संघर्ष है क्यों क्योंकि एक तरफ अमेरिका नाटो का विस्तार करना चाहता है अब इसमें उत्तरदायी कौन है ये कहना बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि आई आर के लैंग्वेज में आप देखेंगे चाइना से पूछे चाइना से पूछे तो कहेगा अमेरिका उत्तरदायी है और यही तो सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए चीन जहां भी जाता है अमेरिका रूस को बुलाता है संघाई सहयोग संगठन की बैठक में चाइना ने रूस को बुलाया अभी पश्चिम एशिया में रूस वहां पे गया तो पूरे संघर्ष को रूस कैसे व्यक्त कर रहा है रूस तो ये कह रहा है कि भाई ये तो हमारे ऊपर थोपा गया वॉर है इसके उत्तरदायी कौन है नाटो का विस्तार इसके उत्तरदायी कौन है अमेरिका का बढ़ता प्रभुत्व यानी ये केवल विचारधारा का मामला है ऐसा हम नहीं समझ सकते ये पूरे शक्ति का मामला है प्रभुत्व का मामला है एक तरफ नाटो का विस्तार हो रहा है और दूसरी तरफ चीन और रूस चीन और रूस नेटो का हर कीमत पर विकल्प रखना चाहते हैं इसलिए आप देखेंगे एस का विस्तार किया जा रहा है एस सी का विस्तार किया जा रहा है रूस बाकायदा चाइना बेल्ट रोड प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है एस सी का विस्तार किया जा रहा है और ब्रिक्स का भी विस्तार का प्लान है एस सी ब्रिक्स दोनों का विस्तार किया जा रहा है और कहने का मतलब है एशियो का विस्तार है ब्रिक्स का विस्तार किया जा रहा है यानी संघाई सहयोग संगठन ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ये सब मिलकर ये पूरे शक्ति संघर्ष में चीन और रूस एक साथ आ रहे हैं और इसीलिए आप देखेंगे पश्चिम एशिया में पश्चिम एशिया में आप देख लीजिए इंडो पैसिफिक में आप देख लीजिए हर जगह ही कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है यानी बिल्कुल आर पार की लड़ाई का मामला है कि दोनों कहते हैं भाई हमारा शक्ति का प्रभुत्व बना रहेगा तो सवाल है यूक्रेन क्राइसिस में फिर यूक्रेन क्राइसिस में आखिर में क्या चाहता है रसिया क्या चाहता है और अमेरिका क्या चाहता है यूक्रेन तो मर रहा है यही पावर पॉलिटिक्स है जैसे कोल्ड वार में वियतनाम खल्लास हो गया मामला था वियतनाम का है सोवियत संघ और अमेरिका का वियतनाम गया पावर पॉलिटिक्स में वियतनाम गया क्यूबा गया जो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स में फंस गया वो बर्बाद ही हुआ पाकिस्तान भी तो बर्बाद ही हुआ पाकिस्तान तो हमेशा अमेरिका के पीछे पीछे चलता था अब ये बताइए फिर यहां पे मामला आया अगर कोल्ड वार की ये पॉलिटिक्स है तो हम कहाँ जाएं? क्योंकि कहा भी जाता है कि पूरे यूक्रेन संकट ने नाटो को तो नई जान दे दी है नहीं ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कहा करते थे नाटो को नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बना था कोल्ड वार के बाद वो तो नाटो को समाप्त करने पर लगे हुए थे यहां तो फिर से नाटो को नई जान मिल गई है नई लोग पूछा करते थे भाई पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड के ज़माने में नाटो क्या जरूरत है नाटो बना सोवियत संघ की खिलाफ साम्यवाद के खिलाफ अब ऐसे अमेरिका तर्क तरकी देता है कि नाटो क्यों है आतंकवाद के खिलाफ नाटो क्यों है नशली दवाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के नए नए खतरे आएंगे आपदा प्रबंध का खतरा आएगा तो सुरक्षा खतरे बंद थोड़े होंगे तो नए नए खतरे आएंगे तो नए नए चैलेंज के तरीके से हम उसको देखेंगे लेकिन अगर दूसरे मामले पर आ जाए तो इस पूरे संघर्ष में पूरे संघर्ष में रूस क्या चाहता है यूक्रेन के पूरे संघर्ष में रूस का प्लान क्या है और अमेरिका का प्लान क्या है देखिए पूरा यह संघर्ष अगर यूक्रेन को लेकर है तो यूक्रेन के मैप को दिखा दें फिर ये दोनों चाहते क्या है रूस क्या चाहेगा यूक्रेन को बांट दे रूस का पर्पस क्या है यूक्रेन को तोड़ दे अब सवाल यह है कि मान लीजिए हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोस में कोई भी चाहे नेपाल है चाहे श्रीलंका कोई छोटा देश है और वो चीन के सैन्य व्यवस्था को अपने पास बुला ले तो स्वाभाविक रूप में हमारे लिए बात अच्छी है बुरी है अगर जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो यूक्रेन जैसे छोटे देश को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो नाटो का अंबर होना चाहता है लेकिन अगर यूक्रेन के पक्ष से देखेंगे यूक्रेन ने कहा भाई ये बताओ हम हमसे छीन लिया क्रीमिया क्रीमिया छीन लिया तो क्रीमिया छीनने का पर्पज अब देखिए और जो क्रीमिया छीना गया और ये क्रीमिया छीना गया दो हजार चौदह में और शुरुआत तो वहीं से गड़बड़ हुई क्योंकि कहा जाता है कि उस समय पहली बार यूनाकोविच यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन के जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे सब प्रो यूरोप की पॉलिसी अपनाते थे रशिया के साथ नहीं क्योंकि रशिया के साथ उनको पैसा मिलना नहीं था तो वो प्रो यूरोप की पॉलिसी अपनाते थे और यूनाकोविच पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति आया यूक्रेन में यूनाकोविच जो कहा करता था कि हमारा संबंध रशिया के साथ होना चाहिए हम रूस के निकट है तो हम यूरोप के साथ क्यों जाए अब यूनाकोविच की इस पॉलिसी के खिलाफ जनमत का विद्रोह हो गया क्योंकि जनमत को लगता था कि नहीं हमारा हित यूरोप के साथ है हमारा हित रूस के साथ है तो हम इसके साथ यूक्रे हमारा हित तो यूरोप के साथ है तो हम रूस के साथ क्यों जाए और इसी के परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि छोटे देशों में थोड़ी राष्ट्रवाद की भावना आती है ये आरोप लगा कि यूनाकोविच ने रूस के साथ जैसे पॉलिसी को बेहतर करने का प्रयास किया तो यूक्रेन के ज़्यादातर भागों में इस बात को लेकर असंतोष हुआ आरोप यह कि असंतोष हुआ नहीं अमेरिका ने ऐसा पैदा किया अमेरिका ने इसका मतलब है यूनाकोविच की सत्ता को विस्थापित करने में अमेरिका का योगदान था कॉन्स्पिर थ्योरी है और इसमें सच क्या है गलत क्या है ये कहना बड़ा कठिन है और यूना कोविच को सत्ता से हटा दिया गया यूना कोविच भागते भागते पहुंचा रूस के पास व्लादिमिर पुतिन व्लादिमिर पुतिन ने पूछा यूना हुआ क्या पहले ये बताओ योना ने कहा सर मैं क्या बताऊं अगर मैं बता दूंगा तो आप बहुत नाराज हो जाओगे पुतिन ने कहा योना बोलो हुआ क्या उनका सर बहुत मारा मुझे ने तो कहा मारा क्यों आपका नाम लेने पर और मारा व्लादिमिर पुतिन ने कहा इतनी हिम्मत छोटे पड़ोसी देशों की और यूना से पूछा गया ये बताओ यूना तुमको हटाया किसने कहा सर बहुत बड़ी साजिश है ये सारे यूरोपीय देश हैं अमेरिकी देश हैं अरे रसिया जो सुनना चाहता था वो यूना ने बताया और उसके बाद तो रसिया धड़धड़ा के टैंक तोप लेकर पहुंचा पूरे क्रीमिया को छीन लिया रसिया से पूछा गया ये बताओ क्रीमिया छीना क्योंकि नाइनटीन फिफ्टी फोर के पहले हमारा भाग था सोबियत संघ का भाग था इसका मतलब बार बार ये बात व्लादिमिर पुतिन कहने का दावा करते हैं कि सोवियत संघ भी जिंदा में कर दूंगा साम्राज्य को जिंदा कर दूंगा सबको धीरे धीरे ला दूंगा बेलारूस कहता है भाई मुझे पूरा विश्वास है बेलारूस बिल्कुल बेलारूस ने अपनी कंडीशन क्या बना ली है रूस के पीछे बेलारूस में भी तो चाहिए बेलारूस कहता है भाई अगर तुमको कहीं कुछ मारना पीटना हो तो मेरे हमें दो चार परमाणु में तैनात कर देना हमारी धरती से चला देंगे यूक्रेन का ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है रूस ने समझाया उसको कभी चिंता मत करो आराम से बैठो बेलारूस ने कहा मैंने बता दिया जो कहना मैं कर दूंगा अब बताइए के पहले अब क्रीमिया सोवियत संघ का भाग था इसलिए वो क्रीमिया ले लेगा ले ये तो ऐसी समस्या पैदा करेगा पूरा दुनिया तहस नहस होने लगेगी फिर तो और 2014 में जैसे से क्रीमिया छीना गया क्रीमिया का महत्व तो आप देख लीजिए ब्लैक सी यानी अगर ये समुन्द्र का भाग यूक्रेन को न मिले यूक्रेन लैंड लॉक हो जाएगा यूक्रेन लैंड लॉक हो जाएगा अब यूक्रेन जैसे लैंड लॉक हुआ अपने आप कमजोर हो जाएगा यूक्रेन को सारी समुद्री सहायता कहां से मिल रही है यहाँ से भाई दुनिया में गेहूं भेजना है तो यहीं से भेजेगा हथियार लेना है तो यहीं से लेगा रसिया ने पहला क्रीमिया छीना यहीं से संघर्ष होना शुरू हो गया क्रीमिया छीना और ये तर्क दिया गया कि इसमें रूसी मुल्क लोग ज्यादा हैं अब सवाल ये है इसी आधार पर यह हम किसी भूभाग को छीनेंगे किसमें रूसी मूल के लोग ज्यादा है तो फिर तो स्वाभाविक रूप में चेचनिया में मुस्लिम मूल के लोग ज्यादा है ये आर्गूमेंट आप चचेने में ही लगा पाएंगे इसलिए कहा भी जाता है जाति धर्म भाषा के आधार पर राष्ट्र बनाएंगे तो नया बवाली शुरू होगा पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाएगी आर्मेनिया अजरबैजान के भी संघर्ष का यही कारण है यही तो यही पाकिस्तान नहीं कहता कश्मीर हम क्यों लगे उसमें मुस्लिम बहुत के लोग ज्यादा है ये तर्क ठीक है नहीं आधुनिक राष्ट्र राज्य की नींव हिला देगा पूरी दुनिया के लिए नया संकट आएगा और कहा भी जाता है नब्बे के बाद यही इसलिए तो निर्जाति संघर्ष से फंसा हुआ ही है अब उसके बाद रसिया ने क्या किया कि इस पूरे ईस्टर्न प्रोविंस में जहाँ पे रसियन के लोग ज़्यादा थे यहाँ पे एक तरीके से गृह युद्ध स्थिति आ गई रसिया ने अपनी सेना भेज दी और इस एरिया में तो ऐसा रसिया ने मिसाइल तैनात कर रखी थी ऊपर उड़ते हुए एक सिविलियन जहाज को टारगेट करके गिरा दिया गया कहा जाता है उसी जहाज के जस्ट कुछ किलोमीटर आगे भारतीय प्रधानमंत्री के जहाज आगे निकला था और किसी सिविलियन जहाज को इतनी ऊंचाई से गिरा देना यह बहुत प्रोफेशनल आर्मी काम हो सकता है जो रशियन आर्मी कलाओं को कर नहीं सकता रशिया ने कहा नहीं नहीं ये तो यूक्रेन के विद्रोही ने किया यानी अब यूक्रेन में ही पूर्वी यूरोप में विद्रोह शुरू हो गया किसके खिलाफ यूक्रेन की सरकार के खिलाफ तो स्वाभाविक रूप में सब काम में तो रशिया ने आगे योगदान दिया ही इसलिए अब यूक्रेन संकट में आ गया और तब तक 2020 में कोरोना 2020 में कोरोना आ रहा है और 2020 में क्वाड बन रहा है और जैसे क्वाड दो में बन रहा है अमेरिका नाटो का तो था अमेरिका क्वाड भी लेकर आ गया और अमेरिका आकोस भी लेकर आ गया अब चीजें बदल गई 2020 में कोरोना कोरोना में कहा भी जाता है अमेरिका बार 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 अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प अच्छा ट्रम्प तो कोरोना वायरस कभी नहीं करते थे सीधे कहते वुहान वायरस ट्रम्प तो बड़े ब्लंट थे वो सीधा चीन पर अटैक करते थे और जैसे इधर क्वाड बना कुछ बना अभी ये बताइए पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में और कहा भी जाता है क्वाड अगर इंडिया का रेजिस्टेंस न हो जाए क्वाड तो हो जाए एक मिलिट्री अलायंस तो इंडिया के कहने पर भी रुका हुआ है अमेरिका का तो यार तुम संकोच बहुत करते हो रहना भी चाहते हो दिखना भी नहीं चाहते ये बात नहीं चलेगी महाशक्ति हो कि नहीं हो भारत ने कहा गुरु महाशक्ति तो है लेकिन तो भड़काओ मत इतना अमेरिका का देखो यार ऐसे नहीं देखो क्योंकि क्वाड में ऑस्ट्रेलिया जापान का शामिल होना नई बात नहीं है वो तो अमेरिका के मिलिट्री अलायंस के पार्टनर हैं इसमें सबसे बड़ी बात है इंडिया का शामिल होना और 2020 के बाद इधर चाइना सीमा पे चाइना हमें भी तो कोई ऑप्शन नहीं था कब तक संकोच करेंगे चीन लगातार इधर दबाया रहा है और रसिया चीन के पीछे जा रहा है अब बताइए हमारा पुराना दोस्त रसिया चीन के पीछे जा रहा है क्वाड में आ जाना भारत की बड़ी पॉलिसी थी और 2014 के बाद आप देखेंगे अमेरिका के साथ हमारे मिलिट्री अलाइंस तो बढ़ने लगे चीन ने फोन किया रूस को रूस अब किस बात का इंतजार कर रहे हो अभी भी तुम प्यार से रहना चाहते हो मामला यूक्रेन का नहीं है तुम पहले यूक्रेन को पहले सबक सिखाओ ये लुक छिप कर बाहर नहीं चलेगा रूस ने कहा भाई भाई करना क्या है और आप याद रखिए जैसे ही 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया उसकी एक महीने पहले रसिया किसके पास था चाइना के पास व्लादिमिर पुतिन चीन के पास गए और व्लादिमिर पुतिन ने क्या कहा यह सब काम नहीं चलेगा पीटो तुम्हारा यूक्रेन पर नियंत्रण होना चाहिए और ऑप्शन दो है यानी रूस का पर्पज क्या है या तो यूक्रेन रूस के पीछे चल दे रसिया का ऑप्शन क्या है यानी यूक्रेन की पॉलिसी कैसे होनी चाहिए यूक्रेन नाटो से अलग ना हो नाटो से अलग होने का तो मामला ही नहीं है नाटो में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता रशिया ने कहा मैं तुमको दबा के रख दूंगा अगर नाटो में गए देखिए ये पावरफुल राज्य है हमारे बगल में कई बार हमें छोटे छोटे राज्य बदल की देते हैं हम तुमको मार देंगे हमें किसकी बात कर रहे हो भाई इंडिया की बात कर देते हैं यहाँ आप देखिए उसने कहा यूक्रेन कैसा व्यवहार करना चाहिए रूस कहता है बेलारूस जैसा पहला और रूस कहता है पहले जो जलंसकी है जेलंसकी है इसको हटाओ ये इस फिल्मी हीरो क्या बन गया ये सोचता है कि रियल लाइफ का हीरो है रियल लाइफ का हीरो केवल व्लादिमिर पुतिन होगा उसके बाद दूसरा कोई हीरो होगा नहीं और व्लादिमिर पुतिन तो आप जानते हैं व्लादिमिर पुतिन के कितने गर्लफ्रेंड है कभी व्लादिमिर पुतिन की बात कभी पब्लिक में आती नहीं है उनकी बेटियों का बिजनेस क्या है इस बात को भी हाईलाइट नहीं किया जाता ब्लादिमिर पुतिन तो पावरफुल आदमी है और अब वो चाहते हैं कि बेलारूस जैसा व्यवहार यूक्रेन करे यानी यूक्रेन रूस के कहने पर उठे रूस के कहने पर बैठे यूक्रेन में तथाकथित लोकतंत्र खत्म करो या तो जेलेंस्की को हटाओ जेलेंस्की को हटाओ और रूस का पर्पज क्या है यूक्रेन को एक लैंड लॉक देश बना दो यूक्रेन को तोड़ दिया जाए यूक्रेन को भूमि आबद्ध बना दिया जाए हमेशा के लिए इसको पंगु बना दिया जाए कभी सर उठा ना पाए ये परपज है रसिया का ये है रसिया का, इसलिए देखेंगे कल ही पुतिन कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म का वॉर है ये हम छोड़ेंगे नहीं इस बार को आगे ले जाएंगे अंजाम तक पहुंचाएंगे अंजाम यही तो करना चाहते हैं वो जिलेंसकी को हटाना उनका शॉर्ट टर्म पर्पज है लॉन्ग टर्म पर्पज क्या है यूक्रेन को लैंड लॉक बना देना यूक्रेन को तोड़ देना यूक्रेन की पॉलिसी बिल्कुल रूस के पीछे लगू हो जाए ऐसा उनका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और दूसरा अमेरिका का इसमें पर्पज क्या है अमेरिका का पर्पज है इस वॉर में रूस को कमजोर करना अमेरिका का पर्पज है इस पूरे वॉर में रशिया को कमजोर करना क्यों अगर रशिया कमजोर होगा तो स्वाभाविक रूप में चीन का बड़ा सहायक है वो आने वाले समय में संघर्ष किसके साथ होगा चीन और अमेरिका के साथ तो चीन अमेरिका के संघर्ष में अगर रूस कमजोर होगा तो स्वाभाविक रूप में रूस के रूस चीन का साथ नहीं दे पाएगा आने वाले संघर्ष में अगर रूस कमजोर हो गया तो स्वाभाविक रूप में न केवल वो चीन का साथ नहीं दे पाएगा बल्कि भविष्य के लिए बल्कि भविष्य के लिए हमेशा से उसकी जो आक्रामक नीति है वो हट जाएगी या अमेरिका का पर्पज है कि व्लादिमिर पुतिन को हटाया जा सके अंदर कोई विद्रोह कराया जा सके कि रूस के साथ तो कि रूस के साथ युद्ध तो संभव है नहीं रूस के साथ युद्ध का मतलब है परमाणु बम का मामला जाएगा आक्रमण का मामला जाएगा इसलिए व्लादिमिर पुतिन को हटा दिया जाए अब ये किस तरीके से या तो व्लादिमिर पुतिन के खिलाफ उनकी जनता विद्रोह कर दे या रूस की अर्थव्यवस्था को इतना तोड़ दिया जाए कि आम जनता इस आर्थिक विपत्ति में रूस का साथ छोड़ दे ये सारे ऑप्शन इसलिए अमेरिका ने अमेरिका ने और पूरे यूरोप ने रूस पर वो प्रतिबंध लगा रखे हैं और पहली बार पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप जल रहा है इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण घटना है ये पहले दुनिया में हमले हुए एशिया में में अफ्रीका इसलिए अमेरिका किसी भी कीमत पर इस वार को पीछे नहीं ले जाना चाहता अन्यथा यूक्रेन जैसे देश को इतनी बड़ी सहायता दे कौन रहा है अमेरिका कौन दे रहा है यूरोप तो अमेरिका नाटो का विस्तार आगे बढ़ाना चाहता है क्योंकि अमेरिका के अस्तित्व का सवाल है ये अगर अमेरिका ने यूक्रेन को पीछे छोड़ दिया क्योंकि सबसे इसमें बड़ा खिलाड़ी कौन है तो चीन तो चीन का पर्पज क्या है अमेरिका को यहां उलझा देना इस पूरे वॉर में सबसे बड़ा खिलाड़ी है चाइना तो चाइना का मूल पर्पज क्या है अमेरिका को रूस के साथ उलझाना और अमेरिका अगर रूस के साथ उलझ गया अमेरिका अगर रूस के साथ उलझा तो फिर वो कभी भी किधर नहीं आ पाएगा ताइवान की तरफ अगर अमेरिका को रूस के साथ उलझा दिया गया तो एशिया को खाली करना पड़ेगा उसे ये चीन का क्या है एशिया केवल एशियाई के लिए एशिया एशियाइयों के लिए और चीन का पर्पज क्या है अमेरिका के सख्त को पीछे करके अमेरिका के सख्त को पीछे करके चीन का प्रभुत्व स्थापित करना यानी अमेरिका को कहा उलझा दिया जाए यूक्रेन में अमेरिका को कहा उलझा दिया जाए फिलिस्तीन में चीन का परपज यह है कि अमेरिका को यूक्रेन में उलझाया जाए फिलिस्तीन में उलझाया जाए जिससे अमेरिका कमजोर हो और पूरी दुनिया में चीन आर्थिक रूप में तो अमेरिका को पीछे छोड़ ही रहा है आने वाला दुनिया किसकी हो जाए चीन की हो जाए अब सवाल यह है फिर से महाशक्तियां आ गई ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर का खेल चल रहा है यूक्रेन के लोग समझ पाते क्या हो रहा है उनके साथ तब तक तो मामला गड़बड़ा गया है पूरे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है और अमेरिका और यूरोप ने इस तरीके से रूस से प्रतिबंध लगा रखा है कि आज तक उस प्रतिबंध का सर हो नहीं पा रहा है वो प्रतिबंध बड़ा प्रभावी नहीं हो पा रहा है तो सवाल ये है यार हम इसमें क्या करें यह बताइए हम इसमें क्या करें अब चीन सोच रहा है कि वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले चीन सोच रहा है कि वो रूस के साथ लेकर यानी चीन के लिए चीन के लिए रूस अपने आप में इंटरेस्टिंग नहीं है अमेरिका है चीन का टारगेट ही अमेरिका है इसलिए फिलिस्तीन अभी आप देखें फिलिस्तीन संकट शुरू हुआ फिलिस्तीन संकट शुरू हुआ तो उसमें मेन खिलाड़ी कौन आ रहा है चीन आ रहा है अब चीन अगर यहां उलझा रहेगा ताइवान के मुद्दे पर आएगा नहीं इंडो पैसिफिक के मुद्दे पर आएगा नहीं तो सवाल यही है अब इसमें ये बताइए हम कहाँ जाएं इंडो रशिया रिलेशन कहाँ जाएगा इस वर्ल्ड ऑर्डर में हम कहाँ जाएं यही मूल मुद्दा है